इंडिया और बांग्लादेश के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 188 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मैच में भारत ने पहली पारी में 404 रन का स्कोर बनाया था, इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने मात्र 150 रन ही बना पाई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 258 रन बनाकर डिक्लेयर कर दिया और अब बांग्लादेश के सामने 513 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया। तो वहीं बांग्लादेश की टीम 324 रन ही बना पाई और 188 रन से मैच हार गई। गाइस, बात पहले दिन की करें तो टीम इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, जहां टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मात्र 48 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद पुजारा और श्रेयस अय्यर दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। तो वहीं दूसरे दिन भारत 404 रन पर ऑल आउट हो गए और बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 150 रन पर ही सिमट गई। सिराज ने 3 विकेट और कुलदीप ने 5 विकेट लिए, जिससे टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 254 रन की बढ़त मिली। और तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में पुजारा और गिल ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें गिल ने 110 रन और पुजारा ने नाबाद 102 रन बनाए। भारत ने 2 विकेट पर 258 रन बनाकर डिक्लेयर घोषित कर दिया। चौथे दिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के 2 विकेट गिरी, बांग्लादेश फिर से दबाव में आ गया। चौथे दिन के अंत में भारत को अब 4 विकेट और बांग्लादेश को 241 रन बनाना था। मैच के 5वें दिन के शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज ने मेहदी हसन को आउट कर भारत की जीत तय कर दी। इसके बाद शकीब अल हसन ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन वे कुलदीप यादव के शिकार हो गए और अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने आखिरी विकेट लेकर भारत को जीत दिला दी। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिक स्क्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।